दोस्त को दोस्ती से पहले, प्यार को मोहब्बत से पहले, खुशी को गम से पहले, और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2023। आपके भाई श्याम सजना की तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके माता पिता की उम्र लंबी कर दे, और ये जो 2023 आपके लिए जो स्टार्ट हुआ है, ये 2023 पूरा आपके और आपके परिवार के लिए खुशियों से भरा हो। आपने 2022 में जो भी कार्य को मन में ठाना था, अगर आधा अधूरा रह गया है, तब माता रानी से प्रार्थना है कि 2023 में आपका वो कार्य पूरा हो जाए। और मैं आशा नहीं, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग एक संकल्प लीजिए और मन में एक ठान लीजिए कि जो भी कार्य, चाहे आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, चाहे आपके एग्जाम हो, या आप यूट्यूबर हो, या आप शॉर्ट क्रिएटर हो, कोई भी क्षेत्र में आप हो, तो सफलता जरूर मिलेगी। एक मन में दृढ़ इच्छा बना लीजिए कि हमको इसको प्राप्त करना है तो करना है। अगर आपका कोई मजाक उड़ाया है आपके लाइफ में, तो उस मजाक को आप सीरियस ले लो, क्योंकि कुछ बार होता है क्या कि हम पे मजाक उड़ाता है और हम सीरियस नहीं लेते हैं। दोस्तों, उसको कुछ मत बोलो, मगर अपने मन में सीरियस ले लो। एक मोटिवेशन के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपको यूट्यूब पे कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से बीए फाइनल हूँ मैं, तो एक जानकारी आपको दे देता हूँ। दोस्तों, कभी भी कोई भी इंसान, आप चाहे डांस करते हो, चाहे कॉमेडी बनाते हो, चाहे जो भी कार्य करते हो, चाहे पढ़ाई लिखाई करते हो, अगर जो इंसान आपको ज़्यादा जलील कर दे, हल्का फुल्का मजाक तो चलता है, जो इंसान आपका ज़्यादा जलील कर दे कि आप तुम ये कार्य नहीं कर पाओगे, वो इंसान को क्या करो, आप उसका एक फ़ोटो खींच लो, प्यार से उसका एक फ़ोटो खींच लो और अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लगा लो, और अपने मोबाइल के स्क्रीन पे उसका फ़ोटो रखो, एक टेक्स्ट लिख दो, जो जो बात उसने बोला है उस बात को संक्षिप्त में लिख दो कि उसने क्या बोला है। जैसे अगर मान लो, अगर हमको कोई बोला है कि पहले आप मोनेटाइज अपने चैनल को कर लीजिए, फिर आके हमसे बात कीजिए, ये घटना मेरे साथ हुआ है, तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपके साथ भी हुआ, तो आप लिख लो, उसका फ़ोटो लगा लो अपने मोबाइल में और लिख लो कि इन्होंने ये बात बोला। आपका भाई इतना गारंटी के साथ कहता है कि आप जब भी मोबाइल को अपना ओपन करोगे, उसका चेहरा आपके सामने आएगा, तब तब आप मोटिवेट होगे, आपको लगेगा कि नहीं, इसने जलील किया है, हमको इसको जवाब देना है, तो आपके इतना फुर्ती आ जाएगा, आप कितना भी काम में बिजी रहिएगा, तुरंत वहाँ से निकलिएगा, आप वीडियो बनाइएगा और अपना माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा। चाहे आप कॉमेडी करते हो, चाहे डांस करते हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आपको लगेगा ना, इसने बोला है कि तुम परीक्षा में पास नहीं कर पाओगे, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन, किसी कोई अगर आपको जलील करता है, तो एगो कहावत है कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। तो दोस्तों, हमारे अंदर और आपके अंदर, मेरे अंदर क्या कमजोरी है आज के वीडियो में मैं बताता हूँ। मैं एक आलसी बंदा हूँ, मेरे अंदर सबसे बड़ी खासियत है मैं आलस बहुत करता हूँ। मैं सोचता हूँ कल कर लूँगा ये काम, यही करने के चक्कर में मेरे को 7 साल 8 साल यूट्यूब पे हो गया, और घर का परिस्थिति अच्छा नहीं है, आपको भी पता है कि कभी वीडियो मैं दीवार के पास बनाता हूँ, तो कभी पर्दा टांग के बनाता हूँ, कभी इधर बनाता हूँ। ये चैनल को 2 महीने में मैं 1000 सब्सक्राइबर के लगभग पहुँचा हूँ, 2000 वॉच टाइम हो गया है। तो दोस्तों, मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ने की वजह से क्या हुआ कि मैं 7 साल से कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, एक चैनल पर 4700 सब्सक्राइबर हैं, एक चैनल पर 3700 सब्सक्राइबर हैं, एक चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हैं, एक चैनल पर 680 सब्सक्राइबर हैं, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सफल नहीं हो पाया, और कुछ है, मतलब ये कहें कि घर का कोई सपोर्ट मेरा नहीं है, मेरा घर का कोई सपोर्ट नहीं है, और सपोर्ट होगा क्या, अगर जिस लाइन में अगर कोई होगा तो सपोर्ट करेगा, मेरे घर का कोई सपोर्ट नहीं है। और आपको क्या बताऊँ कि गरीबी पर बहुत ख़राब होता है, मैं एक गरीब घर से हूँ, और आप देखते हैं कभी मैं कहीं पे रह के वीडियो बना देता हूँ, तो अभी देखिए मुर्गी फार्म के पास वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर लगातार कोई कार्य को आप कीजिएगा, तो वो कार्य सफल हो जाएगा। आपने एक कहानी सुना होगा, उस कहानी में बताया जाता है कि एक बालक को उसके गुरु जी भेजते हैं कि बेटा जाओ पानी लेकर आओ, तो जब वो पानी के लिए जाता है, तो देखता है कि रस्सी के जो होता है ना, रस्सी जब खींच खींच के जब पानी भरता है वो बालक, तो ध्यान से देखता है नीचे कि उसके रस्सी खींचने से जो इनार होता है ना, इनार का जो होता है सीमेंट वाला प्लास्टर,
वो पूरा खींच जाता है। तो उसके मन में आता है कि जब एक मामूली सी रस्सी को बार बार खींचने से हम सीमेंट का इतना मजबूत दीवार को जब हम घिस दे रहे हैं तो मेहनत करने पे क्या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आप लोग के यही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। और सफलता किसी का मोहताज नहीं होता है, मेहनत कभी भी नहीं जाता है बाओ। अगर आप मेहनत करोगे तो भले ही आप सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन आप उस काबिल हो जाओगे कि कहीं भी कमा खा लोगे। ठीक है दोस्तों, तो यही एक मोटिवेशन था नया साल में। और मैं जाते जाते आपको यही ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि भगवान आपको खुश रखे हमेशा की तरह। आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आप अगर टिकी पे हैं तो आप ये भी ट्राई कीजिए, टिकी पर भी वीडियो बनाइए, अदर प्लेटफार्म पर भी आप वीडियो बनाइए। मेरा बात मानिए, एक पे मत रहिए। टिकी पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरह बंद कर दें, लेकिन आप अदर प्लेटफार्म यानी कि यूट्यूब पे भी आप वीडियो बनाइए, शॉर्ट वीडियो डालिए। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो वायरल हो रहा है, तो मैं ये भी जानकारी दे दिया हूँ। तो आज से आप लोग शपथ ले लीजिए कि 2023 में मैं उन गलतियों को नहीं करूँगा जिन गलतियों को मैं 2022 में किया हूँ। तो ज़्यादा क्या बोलूँ, जय हिंद, लव यू ऑल माई फ्रेंड। फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर 2023।